आयु अष्टमी का दिन कितना खास है जिसमें पुत्रों के लिए महिला व्रत रखती हैं। मन में पुत्र रत्न की आस, ऊपर से राधा रानी पर अटूट विश्वास। इसी आस्था के साथ कार्तिक मास की अष्टमी को राधा रानी कुंड में हजारों दंपति स्नान कर पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना करते हैं। जो राधा कुंड नहीं पुत्र रत्न जन पाई, ऐसा ही इतिहास रहा है। आयु अष्टमी स्नान मेला पर होने वाला माँ स्नान का कार्तिक मास की अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने वाली सुहागिनों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस वर्ष आयु अष्टमी 17 अक्टूबर सोमवार को मनाई जाएगी। सुप्रसिद्ध कलाकार हरिशंकर शुक्ला ब्रजलोक कलाकार फाउंडेशन के निदेशक पंकज खंडेलवाल ने बताया कि अष्टमी का व्रत संतान की उन्नति, प्रगति, दीर्घायु के लिए रखा जाता है। राधा कुंड में होने वाला महास्नान देश के लिए नहीं बल्कि विदेश दंपति जोड़ा भी रात्रि के 12 बजे राधा रानी कुंड पर डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि कार्तिक मास की अष्टमी का निसंतान दंपति निर्जला व्रत रखते हैं और शाम 4 बजे राधा रानी कुंड के घाटों की दीवार व अष्टमी माता की छठी बनाकर विधि विधान से पूजा अर्चन करते हैं। अर्धरात्रि को कुंड में फल छोड़कर स्नान करते हैं। राधा रानी की भक्ति भाव और होते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर पुत्र रत्न की प्राप्ति भागीदार भी बनते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल सिंह यदुवंशी। इस वक्त राधा रानी कुंड पर ये आज कुंड जो है एक चमत्कारी कुंड है। इस कुंड में स्नान मात्र से संतान की प्राप्ति होती है। क्या है इसकी मान्यता, क्या है कुछ नदियाँ हैं जो अष्टमी स्नान पर पूजा अर्चना करते हैं और संतान निसंतान जो दंपति है वो संतान की प्राप्ति के लिए कुंड पर स्नान करने के लिए आते हैं। हमारे साथ हैं यहाँ 3 पुरोहित पंडित जी, उनसे जानेंगे कि क्या महत्व है राधा रानी कुंड का और अष्टमी मेला पे जो देश विदेश से संतान को आएंगे, क्या कुछ उनकी विधियाँ है, क्या कुछ प्रक्रिया है, क्या कुछ है पंडित जी, क्या देखिए ये राधा कुंड है और ये बाजू में श्याम कुंड है। ये राधा रानी ने अपने कंगन से कुंड बनाया है और भगवान ने अपने बंसी से श्याम कुंड बनाया है। जैसे राधा रानी सीधी है उनका कुंड सीधा साधा है, भगवान बाके हैं उनका कुंड बाका तिरछा है। ये गांव का नाम पहले राधा कुंड नहीं था, इस गांव का नाम था पहले अरिष्ट वन। अरिष्ट अरिष्ट माने टीला, वन माने जंगल। तो भगवान कृष्ण का जन्म कारागार मथुरा में हुआ। भगवान कृष्ण यहाँ पर गाय चराने आते थे। कंस बोला जो कृष्ण को मार के आएगा उसको आधा संपत्ति अपना राज दूंगा। तो भगवान कृष्ण को मानने के लिए कंस ने एक बच्चा सुनाम का राक्षस बछड़े का रूप धारण करके भगवान को मारने के लिए भेजा। वो बछड़ा आया, भगवान की 1 लाख गाय थी, गायों में आके मिल गया। उसने 2-3 गाय भगवान की जान नष्ट कर दी। भगवान के 2 मित्र थे सखा मुंशका। मुंशका बोला हे कृष्णा, लेकिन बड़ा सुंदर है बछड़ा है, इसने 2-3 गाय नष्ट कर दी है। यहाँ पहले कदम खंडी थी, भगवान ने यहाँ खड़े होकर सब गायों को आवाज दिया, काली गाय, धोरी गाय, श्यामा गाय, एक बंसी की धुंधाई, इतनी भी गायें थी भगवान के पास आ गई। पर वो बच्चा सुनाम करा के भगवान के पास नहीं आया। भगवान ने दोनों सिंह पकड़ के बछड़े को यहाँ मार दिया। दूध दही माखन मिर्ची लेके बरसाना से राधा रानी आई। राधा रानी बोली हे कृष्णा, गौ ब्राह्मण ताय चौधरीताय कृष्णा गोविंदाय नमो नमो। गौ ब्राह्मण के अंदर बड़ी पूज होती है, भगवान कृष्ण उसके राक्षस के रूप में मारते हैं, गौ हत्या का पाप लग गया। तो ये कल के दिन हुई अष्टमी के दिन रात के 12 बजे 68 करोड़ तीर्थों को यहाँ बुलाया। सभी तीर्थों ने राधा कुंड में भगवान ने स्नान कराया, राधा ने कंगन से बनाया, दोनों का संगम किया। तो यहाँ उस रात के 12 बजे स्नान होता है। किसी के संतान नहीं हो, संतानों के मर जाए, लड़की लड़की हो, लड़का नहीं हो, तो स्त्री पुरुष दोनों आचर गांठ जोड़ के इसमें स्नान करते हैं, एक फल दान करते हैं। उस फल को 7 साल नहीं खाना पड़ता है। और जो राधा रानी की सुहाग तिपारी का सामान है वो राधा कुंड में देने और कृष्ण जी के में देते हैं। तो राधा रानी ने बोला है कि महारानी श्री राध के और अष्ट सखिन के झुंड और ढगन बबारो शाम रो तो जय जय राधा कुंड। ये कुंड बनेगा तो ठाकुर जी ने बोला अरे तुम ऐसी कह रही हो। तो ठाकुर जी ने बोला है कि मुक्त दे मुक्त है गोपाल सो मेरी मुक्त। वो जानकारी दे रहे थे कि राधा रानी कुंड में स्नान से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। वो ये बता रहे थे कि स्नान जो है 12 बजे का भी नहीं है क्योंकि 12 बजे से 4 बजे तक का है। आप आराम से स्नान करें, प्रशासन की व्यवस्था में आप सहयोग करें क्योंकि एकदम स्नान 12 बजे का ही नहीं है कि 12 बजे ही करना है, आप 4 बजे तक स्नान कर सकते हैं। ये वो राधा रानी कुंड है, एक चमत्कारी कुंड है जो मथुरा से 21 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ राधा रानी गिरिराज परिक्रमा में जो स्थित है राधा रानी संगम कुंड, यहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और ये कुंड जो है इसके चमत्कारी कुंड है, इस कुंड में स्नान करने से संतान प्राप्ति सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गोवर्धन से कमल सिंह यदुवंशी।
एक्स्ट्रा ब्रेन अबेकस, आवर चिल्ड्रन डिजर्व द बेस्ट। क्या आप अपने बच्चे की एकाग्रता, स्मृति, कल्पना, रचनात्मकता और आत्मविश्वास में सुधार करना चाहते हैं? फिर आगे मत देखिए। ई ब्रेन माइंड मैथ क्लासेस संपूर्ण मस्तिष्क विकास कार्यक्रम और 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की आयु के बच्चों में प्रतिभा के पोषण में लगी हुई है। यह अत्यधिक संरक्षित कार्यक्रम अबेकस मेमोरी लर्निंग पद्धति का उपयोग करके विकसित किया गया है। हमारा फोकस क्षेत्र दृढ़ता, फोटो स्मृति, सुनने का कौशल, रचनात्मकता, सहनशीलता, समस्या सुलझाने की क्षमता, तार्किक सोच, एकाग्रता, अवलोकन कौशल, विजुअलाइजेशन पावर। सप्ताह में 1 या 2 बार कक्षाएं हैं। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं प्रदान करते हैं। हमने अबेकस को पारंपरिक गणित से जोड़ने के लिए कई नई अवधारणाएं पेश की हैं। नियमित अबेकस अवधारणाओं के अलावा हमने पाठ्यक्रम को अधिक मनोरंजक और लाभकारी बनाने के लिए LCM, HCF, भिन्न बोर्ड मास आदि को जोड़ा है। एडमिशंस ओपन फॉर फ्री डेमो क्लास। कॉन्टैक्ट एक्स्ट्रा ब्रेन किड्स अकेडमी, एड्रेस 18/19 चंदन वन मथुरा, मोबाइल नंबर 8630832877। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।